अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माशाल्लाह गुड सेल। आज मैं हूँ साई अन्ना के पास। इनका जो ट्रेंडिंग बकरा है अभी हैदराबाद में चल रहा बिच्छू, उसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। द ग्रेट मास्टर शो का 7th वाला एपिसोड है जिसमें बिच्छू के बारे में बात करेंगे, सबसे बेहतरीन बकरा यहाँ पे जो चल रहा हैदराबाद में ट्रेंडिंग पे। तो उसकी बात करते हैं। साई अन्ना आदाब। कैसे साई अन्ना? नमस्ते। ठीक है भैया। सही है ना, बकरा बहुत ज़बरदस्त रखे आप। हाँ, और इसकी कटिंग भी सेम एज बिच्छू के टाइप में है, देख सकते हैं आप। हाँ भैया, नाम पे जैसे कटिंग है भैया, जैसा नाम है वैसा वैसी कटिंग कराए बोलो। एक बार इसके सर के बाल ही लाइए ज़रा। वाह, सिंह की क्वालिटी देखें इसकी। सही है ना, अपने पास कब से है बकरा? है 1.5 साल हो गया भैया। सर 1.5 साल से अपने पास ही पाल हो रही, समझो इसकी। क्या वेट पे हो सकता? 65 रहता। 65। आपके बकरे का नाम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे अभी। मैं बहुत नाम सुना है बकरे का, तो डिसाइड करा आपके बकरे की वीडियो बनाऊँ हैदराबाद से आके। आपका लोकेशन हैदराबाद से कितने किलोमीटर है अन्ना? हैदराबाद बोले तो यानी चार मीनार से समझ जाओ आप, हैदराबाद में ही आता। 40 किलोमीटर, 40 से 45 किलोमीटर दूर आता। ख़ास ये बकरे की वीडियो लेने के लिए इतने दूर आया मैं। और साई अन्ना की पाल भी कैसी है? जानवर आपके पास आने के बाद माशाल्लाह बहुत तेज़ भी हो गया है। और साई अन्ना कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, बकरे के बारे में, कैसा है, आपको कैसा लगा बकरा है? बताएंगे भैया, उसमें क्या है, क्या होना है बोले आपको? खिलाई पिलाई बताओ इसकी, इतना एग्रेसिव कैसा हो गया इन्हें? तो कुछ स्पेशल डाइट है क्या आपकी देने की? स्पेशल डाइट कुछ भी नहीं है भैया, ये बच्चा है ना, बच्चा का आदत है इन्हें। अच्छा, उसका कलर देख के उन्हें उसको फैन हो गया। सेम कलर है बोल के? हाँ, सेम कलर है बोल के उसको फैन हो गया। आया जब से उन्हें ही पाल रहा। अच्छा, अकेला एक ही हाथ पे चल रहा। इसकी डाइट क्या है ना, यानी डाइट है ना, सुबह तो एक्सरसाइज पक्का, सुबह 5 किलोमीटर वॉकिंग है, 3 किलोमीटर वॉकिंग, 3 किलोमीटर रनिंग जी, 5 से 6 किलोमीटर चलता। अच्छा, 7-8 बजे कुछ छेना खाता है, 1/2 किलो। स्विमिंग वो कराते बकरे की? एक हफ्ते को एक बार। अच्छा, हफ्ते में एक बार स्विमिंग भी कराते हैं। तो अन्ना, ये अपना पहला शौक का बकरा है या इससे पहले भी आप कुछ और जानवर भी पाले? भाई मैं करीब 15 से 20 साल से शौकीन में है भाई। 2003 में इसे एक मेंढा मिली थी बादल बोल के, एक 3 साल चला। उसके अच्छा। बाद बीच में एक 2 साल और एक बादल बोल के एक विलायती चला जी। बाद में अभी ये बच्चा मिला, इन्हें जब से शुरू हो गया, जब से अपने पास कब से है ये? अभी अपन लेके 1.5 साल हुआ ना, ये हैदराबाद से लिया अपन, बाहर से मंगाए से नहीं। अच्छा, हैदराबाद में एक ऐसी मनी बोल के एक बच्चा है, उसका नाम नहीं लड़ रहा बोले तो ठीक है ले लेंगे बोल के ले लिया था। अच्छा, जब चार दांत पे था, 6 भी तोड़ा अपन का नहीं। अभी कितने दांत पे? फ्रेश ओपन है ना, करीब 5 से 6 महीने रहता ओपन। हाँ हाँ, अब तक एक 4-5 बाजी लड़ा, पर लड़ाना नहीं चाह रहा हैदराबाद में। अभी एक मेंढा का ट्रेंडिंग चल रहा है ना आंध्रा में, अभी उसी को छोड़ना है। अच्छा अच्छा, अखाड़ा बकरा जो चल रहा, छोड़ना बोले तो अपन को छोड़ने का वो इच मूड इच नहीं है। क्यों बोले तो, ये तो अपन मेंढा पाल रहे मगर हैदराबाद सबका बोल के हमारे दिल में है भैया। अच्छा, हैदराबाद से लड़ाने का ऐसा कुछ इरादा नहीं है अन्ना का? हैदराबाद प्रेजेंटली अभी लड़ेंगे बोले तो अखाड़ा से, समझो आंध्रा से, अखाड़ा से लड़ाएंगे। हाँ, तो यही होंगी जोड़ उसकी अन्ना, कुछ ऐसा डिसाइडेड है? देखना, अभी पक्का नहीं बोल सकता हूँ इधर है या उधर है, क्यों बोलते, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलता ना। अच्छा। हाँ। आपके ग्रुप का नाम क्या है ना, आपने ऐसे ग्रुप चलते रहते ना? बादल ग्रुप है भैया। बादल ग्रुप कितने 50 लोग है उसमें? ज्यादा रहता भैया। अच्छा, बादल ग्रुप से बिच्छू बकरा, जैसा नाम है वैसा काम है इसका, बिच्छू के टाइप में डंक मारता। अभी तक कितने हुए इसके बोले आप फाइट? टेस्टिंग बहुत हुआ ना मैदान तो 5 से 6 हुआ। अच्छा, यानी ऑफिशियल हुआ या फिर ऐसा नॉर्मल? ये शीप शौकीन बोले तो तेलंगाना स्टेट में तो अनऑफिशियली है, कर्नाटक छोड़ के सब अनऑफिशियली है, अपन ऑफिशियल बोल के बोल नहीं सकते। अच्छा। सब जिन्हें चैंपियन है वो ये डाल लेता, वो कभी ऑफिशियल बोले तो डाल लेना, अपन को ऐसा डालने का जरूरत भी नहीं है। अच्छा,
अब ऑफिशियल रहता है जब अपन घर करने से सीधा बैंड बाजा से लेके जाएंगे, ऑफिशियल लड़ रहे भाई पहले। हाँ। अभी तो ये अनऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, अपने पास अलाउ भी नहीं है शायद हैदराबाद में। हैदराबाद भी नहीं, आंध्रा में भी नहीं है ना। परसों अपन गया पुलिस वाले से ही थोड़ा वो हो गया, रिटर्न आ गया। तो अन्ना कब से आपको शौक है? अलाउड मैं तो अन्ना फर्स्ट बकरा कब लिए थे आप? ये कुश्ती का शौक कैसा पड़ा आपको? नॉर्मली तो बकरे पालते हर कोई। हम यादव है भैया गवली, हम लोगों को बैंसा गाय ये सब रहते, उसमें हमारा थोड़ा ये आदत पड़ गया मेंढा पालना बोल के। अच्छा। तो बच्चा जब थोड़ा अलग दिखा, इन लोग तो कैसा बढ़ते वैसा थोड़ा जिद दिखाते ना। हाँ। उसमें आजू बाजू वाला कोई देख के उन लोग का भी तो ऐसा छोटा मोटा कुश्तियां छोड़ छोड़ के ऐसे ये शौक ही बन गया। अच्छा। शो क्या है देखे तो हैदराबाद में बड़ा बड़ा ग्रुप ही बन गया, ग्रुप में अपन भी एंटर हो गया। उससे आपको भी शौक लग गया? अपन को 20 साल से। अच्छा। 20 साल से ऐसा बड़ा मेंढा पाल रहे, माय 5th 6th क्लास से मेंढा रहता। छोटे बच्चे पालते थे समझो स्टार्टिंग में, छोटे बच्चे से माशाल्लाह बहुत बड़ा शौक हो गया। में जब भी पुरबिया लाया मैं, आजकल सब जने ला रहे, जब बादल बोल के लड़ाया पहले पुरबिया अपन ही लाया। अच्छा, जो बादल नाम का बकरा था अपना पुरबिया ब्रीड में था। पुरबिया ब्रीड में था उसका। अच्छा। फोटो भी होगा जी आपके पहले बकरे की, एक फोटो भी मेरे को बता दीजिए, मैं स्क्रीन पे बता दूंगा वो भी। तो सही है ना, अगर अपने हैदराबाद से भी हो या बाहर से हो कोई जोड़ के लिए पूछेंगे तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देंगे जोड़ के लिए? बाहर से तो कभी भी देंगे भैया। अच्छा। अपन वाला बोले तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, अपन से कैसा रहता, अपन को उसको कैसा है। हाँ। वो सोच के बराबर उन्हें लड़ाना चाह रहे तो अपन मेंढा लड़ाते। अच्छा। दिल में वो लगाने वाला, ये लगाने वाला लाइट नहीं। हाँ, मोस्टली बाहर के अगर कोई है तो पॉसिबल हो जाएगा समझो। तो कालियाना से बात करते हैं जो केयर टेकर है अपने बिच्छू बकरे के। कालियाना आपको कैसा लगता है इसकी खातिरदारी करके? अच्छा हाँ, यानी इसकी डाइट कैसी देते हैं आप? सुबह दोपहर शाम कैसा है? तीन टाइम है या दो टाइम खाता बस? अच्छा, आपके साथ बहुत फ्रेंडली है ना ये? यानी अभी देखा मैं आपके साथ में आके ठहर रहा, दूसरे जनों को थोड़ा एग्रेसिव बना बता रहा हो लेकिन आपके साथ साइलेंट है बहुत। दिन भर साथ में रहते शायद आप उसके? अच्छा, लो शुक्रिया साई अन्ना आपका इंटरव्यू देने के लिए। और लास्ट में अब जो नए नए शौकीन है, आप तो 20 साल से कर रहे हैं, नए शौकीन के लिए कुछ एक एडवाइस, यानी कैसा जानवर पालना चाहिए क्या है, कुछ एक एडवाइस आपकी तरफ से दीजिए। जानवर पालना क्या ना, आजकल सब जने इंटेलिजेंट बन गया, कैसा पालना क्या है अपन बोलने का जरूरत ही नहीं है। दिल में कुछ भी नहीं लगाना, एक ये भी एक स्पोर्ट्स जैसे ले लेना। ये बात हो गई, हार जीत तो लगी हुई है, अपन एक सिक्का ऊपर डाले तो हेड्स या टेल्स गिरता, हार जीत तो सबको लगी हुई है। आज एक जाता कल एक जाता परसों एक मारता, लाइट ले लेना, शौकीन को फॉरवर्ड कर लेना। अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज था। यानी नॉर्मली अब ग्राउंड है वहाँ पे जोड़ हो रही तो लड़ाई झगड़े होना कॉमन बात है, सही है ना? तो आपका वही मतलब है अब नए शौकीन के लिए लड़ाई झगड़े मत करो, नॉर्मली स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के हिसाब से लो, बस वही है ना? उतना ही है भैया। थैंक यू अन्ना, बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिए आप। और आपका जानवर इंशाल्लाह आगे नाम बहुत कमाने वाला है आपका, और भी अभी से ही नाम कमा रहा आपका। आप भगवान उम्मीद है और तेलंगाना सब शिख शौकीन उनका भी वो रहना दुआ जी, बराबर नाम कमाएंगे। हाँ। लड़ाएंगे, कमारा आपका नाम बकरा बहुत। और जानवर अच्छा खेलेगा तो ओनर का ही नाम ज्यादा है कि तो पले ही ओनर की रहती, हर किसी के हाथ पे जानवर ऐसा नहीं होता ना।